दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं और जितनी तेजी से वो करीब आते जा रहे हैं उतनी ही तेजी से टिकट चाहने वाले संभावित नेताओं का बुखार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी राजनीतिक बुखार जो है बुलंदियों पर पहुंचता जा रहा है। बहुत सारे संभावित उम्मीदवारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, सबने कलफ लगे हुए कुर्ते पजामे एक एक दर्जन सिलवा लिए हैं और उन्हें पहनकर वो मीटिंगें कर रहे हैं, अपने नेताओं के यहां हाजिरी लगा रहे हैं और सभी जाति के नेताओं से जो भी आंकड़े हैं जातिगत, उनसे मिलकर अपना जिताऊ गणित बिठाने में लगे हुए। अब बहुत सारे तो ऐसे भी नेता हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता या उस विधानसभा क्षेत्र के लोग भी नहीं जानते, लेकिन लोकतंत्र में तो ये तो सबका हक बनता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़े, चाहे वह किसी पार्टी के टिकट पर लड़े, यानी उसे टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का पूरा हक है। उस नाते बेशक एक एक सीट पर उम्मीदवारों की आधा आधा दर्जन, एक एक दर्जन लंबी लाइन लग चुकी है और इतने लोगों को तो मिलेगा नहीं। और ज्यादातर तो यही उम्मीद होती है कि भी जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को मिलता है, लेकिन यदि सिटिंग एमएलए को ही मिलेगा या जो पहले चुनाव लड़ते रहे उनको ही मिलेगा, तो फिर नए उम्मीदवारों, युवा उम्मीदवारों का नंबर आखिर कब आएगा? तो इसलिए उनकी जो मांग है, डिमांड है और उम्मीद है, आशाएं हैं, वो गलत नहीं है। जो वो टिकट मांगने के लिए नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं या अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम केवल फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का जिक्र करेंगे और इनमें भी, इन 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा नेतृत्व किसको टिकट देने जा रहा है। पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि फरीदाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 6 में से पिछली बार 4 भाजपा के विधायक थे, एक कांग्रेस का विधायक था और एक आजाद विधायक था। फरीदाबाद सीट से भाजपा उम्मीदवार जीते थे नरेंद्र गुप्ता जी। तिगांव सीट से राजेश नागर जी, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी और बड़कल से सीमा तिरका जी, ये चारों भाजपा के विधायक बने। पुसला सीट से आजाद उम्मीदवार नैनपाल रावत ने बाजी मारी। लेकिन एनआईटी फरीदाबाद 86 से नीरज शर्मा, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, वो भाजपा के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे। अब जो हमारी जो ये स्टोरी है, आज जो हम ये करना चाह रहे हैं वो ये है कि इन 6 जो उम्मीदवार, 6 जो सीटें हैं एमएलए की, इस पर किसकी टिकट कटेगी और किसकी टिकट बचेगी। पहले हम जो है कांग्रेस की बात कर, भाजपा की बात कर लेते हैं कि ये जो 4 टिकट हैं, 4 जो विधायक जीते थे, तो इनमें से किसका किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट बचेगा। जो भाजपा नेतृत्व से हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि चारों के चारों को तो टिकटें मिलेंगी नहीं। चारों सिटिंग एमएलए इनको
टिकट नहीं मिलेंगी, जिसके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका टिकट कटना तय है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन चारों में से किसका टिकट कटेगा और किसका किसको मिलेगा। लेकिन फिर भी हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो सिटिंग है वो कौन कौन है और उनके साथ उनकी जगह और जो नए लोग हैं वो कौन कौन टिकट की लाइन में लगे हैं और किसकी संभावना बनती है। तो दोस्तों हम फरीदाबाद से शुरू करते हैं। दोस्तों फरीदाबाद से जैसा कि मैंने बताया फिलहाल नरेंद्र गुप्ता भाजपा के विधायक हैं। उससे पहले नरेंद्र गुप्ता जी से पहले विपुल गोयल यहां से विधायक बने थे भाजपा के और कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन उनको 2019 के विधानसभा चुनावों में कई कारणों के चलते टिकट नहीं मिल पाया था। वैसे ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि जो फरीदाबाद की सीट है इस पर कभी भी वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला था। वैश्य समाज की जो पक्की सीट मानी जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है वैश्यों की, वो है बल्लभगढ़। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र गुप्ता बल्लभगढ़ से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विपुल गोयल की टिकट कटी तो वो फरीदाबाद से उनको टिकट दी गई, वो चुनाव लड़े और जीते। हालांकि वो बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं, बल्लभगढ़ में उनका दिल बसा है, सारा काम धंधा भी उसी क्षेत्र में है। और आज भी यदि उनसे कोई पूछे कि आप फरीदाबाद से लड़ना चाहोगे या बल्लभगढ़ से, तो लोग कहते हैं कि वो बल्लभगढ़ को प्रेफरेंस देंगे। चलो ये तो अलग बात हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र गुप्ता जो सिटिंग एमएलए हैं तो उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कहते, लेकिन किसी ना किसी की चारों में से टिकट तो कटनी है, तय है। एक की कटे, दो की कटे, तीन की कटे, हम ये नहीं कहते। लेकिन इनके साथ साथ और कौन कौन फरीदाबाद सीट पर एमएलए की सीट के दावेदार है? सबसे बड़ा दावेदार तो विपुल गोयल ही हैं, जो पहले यहां से जीते थे, लेकिन कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से उनकी अनबन होने के कारण उनकी टिकट कट गई, ये बड़ा कारण था। और भी एक आध कारण है, तो उनको टिकट नहीं मिला कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी, लेकिन पिछले 5 साल वे लगातार इस सीट पर मेहनत करते रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें लगातार वो भाग लेते रहे हैं, या तीर्थ यात्राओं पर बसें भेजना सीनियर सिटीजन की, मतलब इस तरीके के कार्य वो करते रहे हैं, वो समाज के बीच में रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि विपुल गोयल को भी यहां से टिकट मिल सकती है। इसके अलावा जो मुख्य दावेदार है वो अजय गौड़ बताए जाते हैं। अजय गौड़ ब्राह्मण जाति से हैं और कृष्ण कृष्णपाल गुर्जर जी का उन पर वरदहस्त है, वो उनकी पसंद है। यदि कृष्णपाल गुर्जर की चली तो अजय गौड़ को यहां से टिकट मिल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दो सीटें, छह सीटों में से दो सीटें ब्राह्मणों को नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑलरेडी मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक है और कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मिलेगी तो दोनों में से एक को ही, तो इसलिए अजय गौड़ की संभावनाएं कम हो जाती है। इसी सीट से पंजाबी समुदाय के धनेश अदल का भी ताल ठोक रहे हैं, वो पार्षद भी रहे हैं, राजनीतिक गलियारों के पक्के खिलाड़ी हैं, संबंध बनाने में बहुत माहिर हैं और मनोहर लाल जी के भी वो करीबी रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं।
प्रयासरत है। अब किसका वो लॉटरी लगेगी, किसकी निकलेगी, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मैंने नाम बताए हैं इन्हीं में से ज्यादा संभावना लग रही है। इसके बाद हम बात करते हैं बड़कल की, बड़कल विधानसभा क्षेत्र। यहां से सीमा त्रिखाजी दो बार से विधायक है। अभी कुछ दिन पहले जब नया फेरबदल हुआ और नायब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया, तो इस फेरबदल में वो मंत्री भी बन गई, तो सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, तो पहला हर्फ तो उन्हीं का ही बनता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काफी बताई जाती है, जनता में उनके प्रति रोष है कि इस क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और जो काम स्मार्ट सिटी होने के नाते फरीदाबाद में हुए होने चाहिए थे वो भी सीमा त्रिखाजी या अन्य विधायक यहाँ के वो नहीं करा सके। और मोटे तौर पर हरियाणा की आर्थिक राजधानी होते हुए भी, स्मार्ट सिटी घोषित स्मार्ट सिटी होते हुए भी, फरीदाबाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हर चीज की कमी है, सड़कें टूटी, सीवर, और चाहे अभी बरसात आ गई है तो तालाब बन जाती हैं सड़कें, पानी की निकासी का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, बड़े हादसे होते हैं, बिजली पानी सड़क सारी समस्याएं बड़कल क्षेत्र में है, और बड़कल क्या पूरे फरीदाबाद में ही है वो स्थिति। तो सिटिंग एमएलए होने के नाते, मंत्री होने के नाते सीमा त्रिखाजी का पहला हक बनता है। लेकिन इस सीट से पूर्व विधायक चंद्र भाटिया, उनके बेटे रोहित भाटिया, भाजपा नेता श्याम सुंदर कपूर, भाजपा के जिलाध्यक्ष राज बोहरा, राजीव जेतली प्रवक्ता भाजपा, रेणु भाटिया, ये सब टिकट की लाइन में लगे हैं, टिकट चाहते हैं, टिकट मांगते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम भी है जो टिकट मांगता नहीं है, उनका कहना है कि भाई यदि हाईकमान चाहेगा तो उन्हें टिकट देगा तो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन वो मांगेंगे नहीं। ये नाम है दीप भाटिया एडवोकेट का, जो भाजपा में कई पदों को उनको नवाजा जा चुका है और शासन प्रशासन में उनकी अच्छी पैठ है और जाना पहचाना नाम है। तो ये लोग हैं जो बड़कल से टिकट मांग रहे हैं। अब अगली सीट है एनआईटी फरीदाबाद 86। दोस्तों वैसे तो इस सीट से पिछली बार नीरज शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे जो वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन इससे पहले 2014 नगेंद्र भड़ाना यहां से एमएलए रहे हैं भाजपा के, लेकिन वो कई कारणों से भाजपा से नाराज बताए जाते हैं, नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं, अनमने से हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं है, लेकिन टिकट की लाइन में तो वो है ही है। एक अगला नाम आपको और बताऊं, महावीर डागर जो जाट समुदाय से हैं, वो भी टिकट की लाइन में लगे हैं। इसके अलावा अजय गौड़, यदि उनको ओल्ड फरीदाबाद से टिकट नहीं मिलता है तो वो दावा एनआईटी सीट से भी करते हैं कि एनआईटी फरीदाबाद से उन्हें सीट दे दी जाए। फिर सवाल फिर वही उठता है कि जो प्रॉब्लम उनको ओल्ड फरीदाबाद सीट पर है वही एनआईटी सीट पर है, क्योंकि बल्लभगढ़ में यदि मूलचंद शर्मा की टिकट रिपीट की जाती है तो वो ब्राह्मण है,
और ब्राह्मणों की इतनी आबादी फरीदाबाद में नहीं है कि उनको दो दो टिकट दे दी जाए, तो इसलिए यहां भी संभावना बहुत कम बनती है और लगभग ना के बराबर है कि उनको यहां से टिकट मिल सके। बल्लभगढ़ मैंने बताया कि मूलचंद शर्मा जी वहां से सिटिंग एमएलए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन चूंकि वो दो बार से विधायक हैं, भाजपा में और भी टिकट के दावेदार हैं, लोकतंत्र में और लोगों का भी हक बनता है, तो टिकट की लाइन में यहां से दो बार जिला प्रधान रहे गोपाल शर्मा टिकट के दावेदार हैं, हुकम सिंह भाटी वो भी यहां से टिकट चाहते हैं, भारत भूषण जो एक स्कूल चलाते हैं कुंदन वैली वो भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। तो प्रमुख नाम तो ये हैं बल्लभगढ़ से, और कई और भी नाम बताए जा रहे हैं लेकिन हम उन्हें प्रमुखता से अभी नहीं देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि उनकी क्या मजबूती है, कोई उनके पीछे है, उन्हें मिल सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन अभी तो यही ज्यादा है जिनको टिकट मिलने की संभावना है। फिर आगे चलते तिगांव। दोस्तों तिगांव एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से हमेशा लगभग गुर्जर समुदाय के नेता को व्यक्ति को ही टिकट मिलता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो फिलहाल तिगांव से राजेश नागर भाजपा के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनके लिए समस्या क्या हो रही है कि यदि कृष्णपाल गुर्जर की चली जो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो वो पहले भी चाहते थे अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को यहां से टिकट चाहते हैं, यदि पारिवारिक मामले के नाते उनकी टिकट कटती है तो अलग बात है, नहीं तो जब कृष्णपाल गुर्जर टिकट देने वालों में है तो यदि उनकी चली तो सबसे पहले अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को ही टिकट दिलाएंगे। यहां से भी कई और नेता हैं लेकिन उनका जिक्र जो है हम आने वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी उनका कोई बहुत ज्यादा कोई नाम वहां से आ नहीं रहा है। इसके अलावा इसी पे एक और नाम बताया गया है, ओम प्रकाश रक्षपाल, ये भी गुर्जर समुदाय से हैं और ये पार्षद रहे हैं, इनकी भी लोकप्रियता है समाज के बीच में पार्षद होने के नाते, तो पार्षद होने के नाते ये भी दावा कर रहे हैं, और ये पहली सीढ़ी होती है, चाहे सरपंच फिर पार्षद और फिर एमएलए, तो उस लिहाज से ओम प्रकाश रक्षवाल भी तिगांव से टिकट की लाइन में बताए जाते हैं। अब दोस्तों आखिरी सीट बची पृथला। तो दोस्तों पृथला एक ऐसी सीट है कि ना तो इस पर भाजपा का उम्मीदवार जीत सका ना ही कांग्रेस का जीता, और सबसे बड़ी बात यह है कि दो दो बार यहां से जो है आजाद उम्मीदवार ही जीतने में सफल रहे हैं। वैसे पृथला सीट पर मतलब तीन जातियों का थोड़ा दबाव है या बहुमत सा लगता है इनमें, मतलब राजपूतों की काफी संख्या है, यूं तो ब्राह्मणों की भी है, जाटों की भी है, तो मतलब मिला जुला है, दलितों की भी है, लेकिन टिकट तो रिजर्व सीट नहीं है इसलिए दलितों का तो नंबर ही कट जाता है। लेकिन पृथला सीट पे दोस्तों नैनपाल रावत पिछली बार चुनाव जीते थे आजाद उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उन्होंने जीतते ही भाजपा को अपना समर्थन दे दिया था और उस समर्थन के बदले खट्टर साहब ने उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी भी दे दी थी। तो एक तो नैनपाल रावत,
और उनसे पहले प्रथला सीट से तेजचंद शर्मा, बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे। लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने समर्थन जो है भाजपा को दे दिया था, और समर्थन देने के बदले उनका दावा है कि भाई यदि मैं समर्थन नहीं देता तो मैं इस क्षेत्र के लोगों के काम नहीं करवा पाता, इसलिए मेरी मजबूरी थी, ऐसा उन्होंने एक बार मुझे बातचीत में बताया था। वैसे भी कोई हरियाणा से कोई बसपा का कभी कभार जो भी कोई उम्मीदवार जीतता है वो आजाद मतलब रह नहीं पाता, पार्टी के साथ रह नहीं पाता है, या पार्टी हाई का मान यानी बसपा सुप्रीमो मायावती का भी कहना नहीं मानता, जो भी सत्ताधारी दल होता है उसमें शामिल हो जाता है या उनको समर्थन दे देता है। तो इन्होंने भी जो है पिछले 10 साल से समर्थन दिया हुआ है भाजपा को। अब जो नाम तो हम कई ले सकते हैं पृथ्वी पर, तो वैसे मुख्य मुकाबला जो बताया जा रहा है नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा में बताया जा रहा है कि ये मजबूत दावेदार हैं। इसके अलावा सुभाष चौधरी को जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट बताए जाते हैं, एक सोहनपाल छोकर वैसे तो आमतौर पर गुर्जर समुदाय से होते हैं लेकिन ये राजपूत हैं, ये भी पतला से टिकट की लाइन में लगे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो अभी हमारे सोर्सेस से मिल रहा है वो यही है कि जो टिकट मिलेगी तो नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा इनमें से किसी को मिल सकती है। लेकिन इसमें एक बात कही जा रही है कि नैनपाल रावत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जाती है, जनता उनके खिलाफ है ऐसा कहा जा रहा है, और मेरी भी कई लोगों से बातचीत हुई है, तो वो उतने काम लोगों के नहीं करा सके या उपलब्ध जनता को नहीं रहे, इसलिए जनता ज्यादा संख्या में उनके खिलाफ बताई जा रही है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि टेकचंद शर्मा जी बचते मतलब महत्वपूर्ण उनका काम और उनकी दबदबा और लोगों में उन्होंने अपनी खास पहचान बना रखी है, तो उस लिहाज से ये नैनपाल रावत पर भारी पड़ते हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि बल्लभगढ़ और ये पृथला सीट दोनों बराबर वाली सीटें हैं, और जब दो ब्राह्मणों को कैसे मतलब टिकट दी जा सकती है कि भाई पृथला से भी ब्राह्मण को टिकट मिल जाए और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा है ही उनको भी टिकट मिल जाए, और जबकि फरीदाबाद सीट से अजय गौड़ भी टिकट चाहते हैं, तो मतलब दो ब्राह्मणों को एक साथ लगती उनसे ये बड़ा मुश्किल है। और यही नहीं कि जो बड़कल की जो विधायक और मंत्री हैं सीमा त्रिखा जी वो भी पंजाबी ब्राह्मण हैं, उस लिहाज से तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। 6 सीटों में से तो इसका मतलब पहले ही 33% ब्राह्मणों का हक हो गया, बड़कल सीट से ब्राह्मण, बल्लभगढ़ सीट से ब्राह्मण, तो पृथला सीट से भी कैसे ब्राह्मण को सीट मिल सकती है। तो ये भी संभावना यहां पर आके टेकचंद शर्मा का दावा कमजोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है जब तक टिकट नहीं मिलती है ये दावे तभी तक है। हाईकमान क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, और जो हाईकमान ने गुप्त सर्वे करवाए हैं उसमें कौन ऊंचे नंबर पा रहा है या किस सिटिंग एमएलए की लुटिया डूब रही है, किसके खिलाफ जनता है, किसके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो दोस्तों हालांकि सभी पार्टियों में ऐसा होता है लेकिन भाजपा में तो यह है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए अपने उम्मीदवारों को बदल देती है, जिससे कि उस क्षेत्र के नाराज लोगों का नाराज जनता का गुस्सा शांत हो जाता है
और उम्मीदवार बदलने से, तो उस नाते देखना है कि जिस जिस सीट पर लोग नाराज हैं या अप्रभावी हैं या वो सक्रिय नहीं रहे हैं, तो भाजपा हाईकमान किसको कितने नंबर वर्तमान एमएलए को देता है और उनकी सक्रियता, उनकी उपलब्धता, उनके कार्य, उनकी जनता में उपलब्धता कैसी रही है, कितने जनता के बीच में रहे हैं, कितना वो जनता के सुख दुख में शामिल हुए हैं, और हाईकमान की नजर में जनता की पसंद कौन है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही भाजपा हाईकमान इन 6 सीटों पर टिकट देगा। और मैं फिर एक बार इतना कहते हुए बात को समाप्त करना चाहूंगा कि वे जो 4 एमएलए हैं जीते हुए 6 में से, इन चारों को टिकट नहीं मिलने वाली है। भाजपा हाईकमान इनमें से टिकट जरूर काटेगा, 1 की काटे, 2 की काटे, कितने की काटे नहीं जानते। अब देखना यह है कि कौन भाग्यशाली है और हाईकमान का नजला किस पर गिरता किस पर नहीं, इसी बात पर दारोमदार रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आकलन फरीदाबाद जिले की 6 सीटों पर कि भाजपा में कौन कौन उम्मीदवार इन 6 सीटों पर हैं, कौन कौन लाइन में लगे हैं, कौन सिटिंग एमएलए हैं और किसकी लॉटरी निकलने वाली है। जो हमने नाम गिनाए ये इन्हीं नामों में से किसी की लॉटरी निकलेगी, या जैसे कि हाईकमान का रवैया रहा है कि वो अचानक अनजान लोगों को टिकट दे देता है, तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।